हक के हमारी हमले के रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो हमले के रहेंगे। सुन लो विजय, अरे सुनिए नीतीश, अरे हक के हमारा हम लड़के लेंगे। तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, महिलाएं मांगे और बच्चा मांगे, अरे बच्चिया मांगे और शिक्षक मांगे, बिहार मांगे और बच्चा बोले, शिक्षक बोले। आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे साथ जो सीटेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं, और जो यहाँ के संचालक हैं उनको क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ पे, ये हम उनसे बात का पूरा व्यवस्था करना कोई आसान का काम नहीं है। जो 38 जिलों के बच्चे होते हैं और उनसे चंदा करते हैं, उसके बाद टेंट लगवाते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन जो सरकार है वो इतनी लापरवाह है कि इन लोगों के सपनों पर बार बार जो है पानी फेरती है। इसी पे हमारे साथ जो ये यहाँ के संचालक से हम बात करेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है मिकुपाल जी, हमेशा आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए बात बता दें, आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी लोग होते हैं और इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। समस्या अगर है तो विज्ञप्ति को लेकर के है, और जब तक विज्ञप्ति नहीं आती हम लोग गर्दनी भाग की इस पावन धरती पर बने रहेंगे, और तब तक डट करके सामना करेंगे जब तक हमारी हाथ में विज्ञप्ति नहीं आ जाती। लेकिन यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए सब बेरोजगार है, सब लोग चंदा इकट्ठा कर करके यहाँ पे बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी ज्यादा निर्दयी है कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, लगता है कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अरे ये सब बेशर्मी लोग हैं जो सभ्य बात बताते हैं। इसको लेकर के बता दें कि अपनी जुबान से ही लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार, नहीं इनका पूरा पट्टी पलटी मार है। हम लोगों को विज्ञप्ति चाहिए, और एक आईएएस अफसर के द्वारा लिखित पत्र जारी होता है और उस पत्र को भी फेलियर घोषित कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने से रोका जाता है कि विज्ञप्ति को नहीं देना, अन्यथा विज्ञप्ति अगर एक आईएएस अफसर जारी करते हैं उसको लेकर के अब तक में विज्ञप्ति आ जाती है। यहाँ पे हमारे साथ जो विकी गोयल हैं वो भी मौजूद हैं, और वो भी जो सीटेट बीटेट की समस्याएं हैं उसको देखते रहते हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गोयल, सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम बेरोजगारों का आवाज़ उठाने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहली बात कि बिहार के तमाम ये जो भी हमारे साथी देख रहे हैं उनसे मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि दोस्त आप लोग की यहाँ पे आवश्यकता है, हजारों की तादाद होना ज़रूरी है, नहीं तो जिस प्रकार 3 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं फिर वही सिचुएशन झेलना पड़ जाएगा, फिर वही 3 साल और 4 साल झेलना पड़ जाएगा। सरकार अभी बोली है कि हम अगस्त के बाद सितंबर में नोटिफिकेशन लाएंगे, ये कैसे बात कर रही है। और दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त कह रहा है कि नगर निकाय चुनाव होने वाला है, सितंबर महीना में स्टार्ट हो सकता है या फिर अक्टूबर महीना में स्टार्ट हो सकता है, ये कैसे बोल रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग बोल रहा है कि हम बहाली स्टार्ट करेंगे सितंबर में, दूसरे तरफ ये भी कह रहा है उसी का चुनाव आयुक्त, सरकार के ही अंधेरी चुनाव आयुक्त भी होती है मैडम, वो कह रहा है कि हम चुनाव लेंगे, ये आप कैसे कह रहे हैं। आप तमाम न्यूज़पेपर में पूरे बिहार में घूम रहा है कि जनवरी से ही आप कहते रहे हैं कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, ऐसा है डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। पूरे बिहार के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए मैडम, सारा का डॉक्यूमेंट तैयार होगा, डॉक्यूमेंट तैयार है ना जी, सबका डॉक्यूमेंट तैयार है। डॉक्यूमेंट में भी वैसा डॉक्यूमेंट तैयार है कि आवासीय दो दो बार सारे लोग का बना होगा, है ना, बना हुआ, एक बार बिना वार्ड वाला, एक बार वार्ड वाला, प्रतिदिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में भी होते रहता है एडिटिंग। आज आपको बिना वार्ड का बनाना है आवासीय प्रमाण पत्र, तो कल बनवाना होगा वार्ड नंबर डाल के, नहीं तो आप अनवैलिड करार कर दिया जाएगा, आप अमान्य हो जाइएगा, आप शिक्षक बहाली से वंचित हो जाइएगा। बहाली आया नहीं लेकिन दो दो बार आवेदन बनवा लिया गया, तो ये तो हो गया मैडम कि हम स्टूडेंट को वो समझते हैं शिक्षा विभाग कि इसके पास कुछ काम नहीं है तो चलो कम से कम आवेदने बनावे, डॉक्यूमेंट दो दो बार सारा डॉक्यूमेंट बना दिया जाए ताकि अपना समय इसी में ये उलझन रहे। लॉलीपॉप धराएंगे, फिर एक महीना वेट करेगा, फिर लॉलीपॉप धराएंगे। सितंबर की बात जो किया है ये शिक्षा विभाग, माननीय विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री जो हैं पता नहीं उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी है, वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं महोदय, बड़ी उनसे एक हम लोग अपेक्षा रखते थे, बहुत उम्मीद था कि जब वो शिक्षा मंत्री बने थे तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गुलदस्ता लेकर गए थे मैडम, फोटो भी है, हम लोग मिलने के लिए गए थे और उनसे रिक्वेस्ट किए थे जब
इससे पहले जब अशोक कुमार चौधरी, उनसे पहले मेवालाल चौधरी, उनसे पहले फिर कोई और थे, उनका मैं नाम नहीं अभी याद है मैडम, वो थे, उस वक्त से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि दिसंबर 2019 जी कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा थे, दिसंबर 2019 से लड़ाई लड़ रहे हैं। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा उस समय शिक्षा मंत्री थे और अभी है विजय कुमार चौधरी। बीच में दो आए, एक की डेट भी हो गई मेवालाल चौधरी की। जो ज़्यादा मेवा खाता है वो मरा भी पड़ता है, वही मेवा वो ज़्यादा खा लिए थे इसीलिए भगवान उनको मेवा खिलाने के लिए ऊपर लेकर चले गए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये लोग का जितना भी है दुआ कहे या फिर बददुआ कहें, सारा कुछ उनको पड़ेगा ही, ये एकदम श्योर है। एक मिनट, सरकार से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हम लोग की बात को प्लीज़ सुन लीजिए सर। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, हम लोग को क्यों रास्ते पर रखे हुए हैं, बहुत परेशानी हो रहा है सर। ये धूप में इतना टेम्परेचर में बारिश भी होने लगती है, चंदा 100-100 रुपया, 50-50 रुपया चंदा जमा करके तब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है। यही हम लोग बेरोजगार हो कि देखिए इन लोग बेरोजगार हैं, फिर भी इन लोग कोई 100, कोई 50, कोई 200 रुपया कर करके चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे धरना दे रहा है। एक तो ये जगह इतनी दूर पे है कि इधर से कोई आता जाता भी नहीं है, पटना के सबसे कोने में इन लोगों को ला के यहाँ पे बैठा दिया गया, और ये लोग अपनी जेब खर्च से जो पंडाल होता है, फिर पानी वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं, और शिक्षा मंत्री जो है पता नहीं कुंभकर्ण के नींद में लगता है सो गए हैं।